फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। दिवाली आ रही है, त्योहार शुरू हो गए हैं और पकवान बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। और मेरे तरीके के बेसन के लड्डू इतने आसान होते हैं कि इसमें कम घी में बनते हैं। देखिए, ये मैंने लिया है 1 किलो बेसन। इसको मैंने छलनी से छान के कढ़ाई में मैं सूखा भून रही हूँ, धीमी आंच पे। धीरे धीरे इसको मैं लाल कर लूंगी बिना घी के। बिना घी के इसको मैं लाल कर लूंगी और जब ये गुलाबी गुलाबी लाल लाल हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, फिर मैं इसमें घी डालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाल हो रहा है धीरे धीरे। ये गुलाबी गुलाबी भून गया है। आप बेसन जब सूखा भूनते हैं तब आप ध्यान रखिएगा कि बेसन में गोलियां नहीं पड़नी चाहिए। आप बेसन को अच्छे से छान लीजिए जिससे उसकी गोलियां छलनी में रह जाएं और उसकी गोलियों को आप हथेली से या चम्मच से चूरा करके फिर आप छानते रहें। तो इस तरह से आप छानिएगा, गोलियां नहीं रहनी चाहिए, पूरा भुरभुरा बेसन रहना चाहिए सूखा एक सा, तो वो अच्छा रहता है। नहीं तो वो रोड़ियां पड़ जाती हैं तो वो सही नहीं रहता। अब देखिए, मैं इसमें मैंने ये लिया है 1/2 किलो से के करीब घी लिया है मैंने। अब ये मैं इसमें डालूंगी धीरे धीरे, जितना घी लगेगा उतना डालूंगी, क्योंकि ये भुन गया है। अब ये घी नहीं लेगा और सारा घी ये छोड़ता जाएगा अपने आप ही, तो इसलिए मैं जितना घी की जरूरत होगी बस उतना घी इसमें डालूंगी। फ्लेम मेरी सिम है, सिम फ्लेम पर ही काम करना है। ये देखिए, जितने घी की इसमें जरूरत होगी उतना हम डालेंगे। अब बेसन भून, अगर हम कच्चे बेसन में घी डालते हैं तब वो घी लेता जाता है अपने भूनने के लिए और फिर बाद में वो घी छोड़ता है जब वो भुन जाता है। इसमें वो प्रॉब्लम आपको नहीं है कुछ भी, आप सीधे बस इसमें भून लिया आपने। देखिए कितना सुंदर रंगत आ गई है बेसन की, है ना, एक सा भुन गया है ये बड़ी आसानी से, चिपका नहीं है कुछ नहीं हुआ, ना कंधे को चल ज्यादा वो जोर पड़ा है, और ये मेरा घी काफी है इतना। 1/2 किलो से करीब एक कप घी, पौन कप घी कम पड़ा है, 1/2 कप, तो ये 1/2 किलो से कम घी लगा है इसमें मेरे। मैंने उतना घी लिया है जितने की इसमें जरूरत थी। देखिए भुन गया। अब हम इसको, एक आंच क्या है, ठंडा होगा तो लग जाएगी, ठंडा होने तक में हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं, है ना, इसको हम ठंडा होने देते हैं। हेलो, हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये बेसन मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ले आई हूँ और ये बहुत ठंडा भी नहीं है और ये गर्म भी नहीं है, और देखिए ये बिल्कुल ढीला ढीला सा है। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल, ये 1 कप 3/4 कप है काजू और बादाम। देसी घी में मैंने भूनकर इनको पीस लिया है। आप इनको दरदरा भी रख सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, टुकड़े में भी डाल सकते हैं। मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो ओल्ड मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो फिर ये लड्डू नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैं ये पिसा हुआ मेवा डाल रही हूँ। और इसमें मैं पिस्ता नहीं डालती हूँ, दूध के लड्डू जो भी होते हैं उनमें मैं पिस्ता डालती हूँ, बेसन के लड्डू में मैं पिस्ता नहीं डालती। खाली काजू बादाम और बहुत हुआ तो मखाना मैं भून करके इसी तरह से दरदरा पीस करके मिलाती हूँ। और ये है पिसी इलायची। पिसी इलायची मैंने ली है 1 टेबल स्पून, आप कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं। तो हम ये दोनों चीजें इसमें मिला देते हैं और अब हम इसमें अच्छे से इसको मिला देंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब ये मैंने इसमें पिसी इलायची और पिसा हुआ ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम, बस मैंने देसी घी में उनको लाल करा और मिक्सी में पीस लिया। पिसा हुआ वो ड्राई फ्रूट 3/4 कप था, वो मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया। 1 टेबल स्पून पिसी छोटी इलायची,
वो मैंने इसमें मिला ली। अब हम ये डाल रहे हैं देसी बूरा। पिसी चीनी भी आप डाल सकते हैं, देसी बूरा थोड़ा कम मीठा होता है और ये सारा मॉइस्चर ले लेता है। इसमें तकरीबन आधा किलो बूरा पड़ जाएगा। अभी मैंने ये 400 ग्राम बूरा डाला है, अभी मैं इसको मिलाऊंगी। इसमें मैं अभी 100 ग्राम बूरा और डालूंगी। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें बूरा डाला है और मैं इसको हाथ से खूब अच्छे से मल रही हूँ। जितना मैं मलूंगी उतना इसमें घी जो है वो एक साथ होता जाएगा। और देखिए इसमें घी नहीं नजर आ रहा, बूरा सारा मॉइस्चर ले लेता है। और हमने ये गुनगुना नहीं रखा, ज्यादा गर्म नहीं रखा है, क्योंकि क्या होता है अगर हम गर्म रखते हैं उसी समय चीनी की या बूरे की चाशनी बन जाती है जो फिर आपके लड्डू को खराब करती है ना। ये देखिए नीचे से आ रहा है बूरा, तो हम इसको और अच्छे से मलेंगे, खूब अच्छे से मलेंगे, एक सार कर लेंगे इसको। हाँ देखिए फ्रेंड, जब मैंने मला इसको तो ये मलने से मुझे लगा कि इसमें मेरे को बूरा और चाहिए। मैंने इसमें 100 ग्राम बूरा और डाला, तो मैंने इसमें टोटल आधा किलो बूरा डाला है। आप और मीठा खाना चाहते हैं तेज तो आप और मीठा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मीठा आप खाना चाहते हैं आप उस हिसाब से मीठा डालिए। अब मैं इसको खूब अच्छे से मलूंगी और उतना ही घी देखिए इसमें ना आता जाएगा ऊपर। इतना कम घी होने के बावजूद देखिए कितने अच्छे से ये देखिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग हो रही है ना इसकी। ये देखिए लड्डू की, देखिए ज्यादा घी होगा तो देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हो रही है। बस इस तरह से हम मल लेते हैं फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैं लड्डू बना रही हूँ इस साइज के। ये लड्डू इस साइज के बनते हैं मेरे, और या फिर इस स्पून से तो ये बड़े साइज के लड्डू बनते हैं। ये देखिए इस साइज के, ये देखिए इस साइज के। तो आप जिस साइज के भी लड्डू बनाना चाहते हैं आप उस साइज के लड्डू बना सकते हैं। मैं लड्डू बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। हाँ सर देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। इससे क्या होता है एक साइज के लड्डू बनते हैं। हाथ से क्या होता है लेने में अलग अलग साइज के लड्डू बनते हैं, या वो होता है तोड़ने में भी वो लगता है हमको। तो ये आप देखिए, तो मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये लड्डू बने हैं, इस साइज के लड्डू बने हैं ये 12। अभी 15 लड्डू इस साइज के और बन सकते हैं इतने मटेरियल में, तो मैं बना रही हूँ। लेकिन मैं कुछ अब लड्डू बड़े बनाए हैं, अब मैं कुछ इस साइज के छोटे लड्डू बनाऊंगी। तो इसीलिए आप चाहे तो सारे बड़े बना सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस साइज के लड्डू बनाना चाहते हैं। तो देखिए कितने लड्डू बने, करीब इस साइज के करीब मेरे 30 लड्डू बन जाएंगे इतने मटीरियल में। तो आप बनाइए, एंजॉय करिए, दिवाली पर सबको खिलाइए। और मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आप मेरे चैनल पर अगर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने मिलने वालों को, फैमिली में सबको बताइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। आते रहिए मेरे चैनल पर अनूठी में, गुफ्तगू में, न्यूमरोलॉजी में भी चल रहा है आजकल, और अंक ज्योतिष में, और गुफ्तगू में चल रहा है आजकल अर्जुन और धर्म युद्ध के मेरे स्पीकिंग ट्री पे मैं लिखती हूँ। तो मेरा विचार मंथन ब्लॉग है स्पीकिंग ट्री पर, तो उसका भी मैं आजकल शेयर कर रही हूँ अपने भाग अनुच्छेद। आप उसको भी देखिए, सुनिए और आनंद उठाइए। और फेसबुक और इंस्टा पे भी अनूठी है, आप विजिट करिए, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं आशा करती हूँ आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।